तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफी ज़्यादा काफी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी ज़िंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग, लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मोही को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं अब बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो है साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी जबरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो है मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है काफ़ी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो हैं इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूँ अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोग के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी ज़िंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग, लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मुही को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं अब बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो है साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो है इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूँ अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोग के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी ज़िंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों तो, क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए तो, मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मुही को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं और बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो है साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी जबरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को तो मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मैं दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे है तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो हैं इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिग की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मिर भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी ज़िंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मुही को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं अब बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो है इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूँ अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी ज़िंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मूवी को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं अब बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो है साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखेगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मैं दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखेगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो है इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय जै भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी ज़िंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मोही को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं अब बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का कर रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मैं दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखेगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो है इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय जै भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी ज़िंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा का, तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पर आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मूवी को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं अब बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मैं दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे है तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो हैं इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी ज़िंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग, लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मूवी को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं अब बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो है साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी तो इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हां मैं दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकोमेंड कर रहा हूं मेरे भाई कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो हैं इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूँ अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोग के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी ज़िंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पर आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मुही को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं अब बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो है साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो है इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी जिंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मोही को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं और बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी जबरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो है मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का कर रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखेगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो है इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय जै भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मिर भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी ज़िंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मुही को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं अब बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफी जबरदस्त और काफी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो है मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे है तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो है इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों।, दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मिर कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी ज़िंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में में सैम बहादुर अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मुही को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं और बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस का नाम सैम बहादुर है और यह मूवी काफी जबरदस्त मूवी को को मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को, तो लो को नहीं देखे तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं मेरे भाई कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए बिके कांसल जो हैं इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूँ अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोग के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिग की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी जिंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मोही को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं और बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी जबरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को देखने मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो है इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय जै भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी ज़िंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मुही को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं अब बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मैं दोस्तों मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो हैं इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय जै भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफी ज्यादा काफी ज्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी ज़िंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फ़ौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है दोस्तों, मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग, लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मोही को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं और बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी जबरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो है मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो हैं इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफी ज़्यादा काफी ज्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी जिंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फ़ौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मूवी को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं और बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और यह मूवी काफी जबरदस्त काफी बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखेगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं मेरे भाई कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए बिकिकोसल जो हैं इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूँ अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोग के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफी ज्यादा काफी ज्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी ज़िंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि, दू कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मोही को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं और बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो है इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफी ज्यादा काफी ज्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी जिंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग, लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मूवी को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं और बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉक बस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखेगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो है इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफी ज्यादा काफी ज्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी जिंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मूवी को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं अब बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी जबरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का कर रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो हैं इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी जिंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मोही को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं और बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी जबरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो है मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो है इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय जै भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी जिंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मुही को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं और बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखेगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो है इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मिर कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी जिंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फ़ौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मूवी को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं और बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है काफ़ी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखेगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मैं दोस्तों मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो है इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय जै भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा काफी ज्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी जिंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फ़ौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि तो मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मूवी को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं और बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉक बस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का कर रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखेगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफ़ी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफ़ी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो है इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफी ज्यादा काफी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी जिंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मोही को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं और बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो है इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय जै भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोग के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफी ज्यादा काफी ज्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मिर कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी जिंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फ़ौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोग को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मोही को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं अब बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का कर रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मैं दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो हैं इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूं अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो मेरे भाई लोग आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों और ये मूवी है उस उस हीरो का जो कि मेरे भाई आप लोग उनका मूवी देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हीरो हैं मेरे दोस्तों और मैं बता दूं कि उनका नाम बिक की कौशल है जी हाँ मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई कि आखिरकार उनका कौन सा मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि उस मूवी का नाम है सैम बहादुर जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी का स्टोरी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को लेकर पूरा जो सोशल मीडिया है मेरे भाई काफी ज़्यादा काफी ज़्यादा लोग इस मूवी को स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे भाई कहानी की पहले की और भी हम आप लोगों को जो मानिक शाह होते हैं उनकी निजी जिंदगी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ की उनकी शादी सिल्लू सन्यास मल्होत्रा से होती है उन्हें सेना के अंदर की जो थोड़ा सा काम व्यवहार होते हैं मेरे दोस्तों उनके बारे में उनको पता होता है उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ट्रस्ट को जताते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि इंदिरा और मानिक सौ के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती बढ़ जाते हैं मगर मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल जो हैं एक फौजी होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना देश को सेवा में लगा देते हैं तो मैं बता दूं कि इस मूवी में अगर आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है मेरे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई बिक्की कौशल जो हैं एक अलग अंदाज में आप लोगों को दिखने वाले हैं बिक्की कौशल जो इस मूवी में सैम बहादुर में अपना किरदार निभाए मेरे भाई एक अलग लेवल का निभाए हैं जो कि देखने में काफी जबरदस्त और काफी अलग लग रहे हैं मेरे दोस्तों तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक ऐसा मूवी लाते हैं मेरे दोस्तों कि एक सच्ची घटना पे आधारित होता है स्टोरी उस पर आ, मतलब बनाते हैं ताकि बहुत ही लोगों को पसंद भी करते हैं इस मूवी को लेकर अब बिक्की कौशल जो है मेरे भाई एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक उठे हैं तो मैं बता दूं कि बिक्की कौशल एक अलग हीरो हैं अब बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को बाखूबी से निभाते हैं तो मैं बता दूं मेरे भाई कि बिक्की कौशल जो है लगभग दो साल पहले कैटरीना कैप से शादी किए हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे कपल रह चुके थे और दोनों अभी भी साथ में रह रहे हैं और मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी भी मतलब होता है मेरे दोस्तों क्योंकि बिक्की कौशल जो हैं साल में एक ही मूवी लाते हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लाते हैं मेरे भाई तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिक्की कौशल का जो भी मूवी होता है काफ़ी जबरदस्त और काफ़ी अलग होता है मेरे भाई तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का अगर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि आखिरकार बिक्की कौशल एक अलग अंदाज का हीरो हैं मैं बता दूं कि बिक्की कौशल का हर मूवी हम देख चुके हैं और जो भी मूवी आता है मेरे दोस्तों हम सब मूवी उनका देखते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिक्की कौशल का मूवी देखना पसंद करते हैं और सही आधारित घटना पे मूवी स्टोरी को देखना पसंद करते हैं मेरे भाई तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का रिव्यू करते रहता हूँ और आप लोग को पता चलेगा मेरे भाई कि आखिरकार हम कौन सा मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम सैम बहादुर है और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है काफी अलग स्टोरी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को देखिएगा तो लगेगा कि भाई मैं देखता ही रहूं जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई अगर आप लोग इस मूवी को नहीं देखे है तो प्लीज मैं बदल रहा हूँ मेरे भाई क्या आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त लगेगा मेरे भाई आपको इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई की आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा काफी जबरदस्त मूवी है मेरे दोस्तों सैम बहादुर इस मूवी का नाम है जो कि मेरे भाई एक अलग लेवल का स्टोरी है अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया है और भारत देश के लिए विक्की कौशल जो हैं इसमें सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है मेरे दोस्तों और इस मूवी को आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बाकी मेरे भाई इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा बाकी दोस्तों ऐसा ही मूवी का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों बाकी मिलता हूँ अगली मूवी रिव्यू के साथ में दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों